ये क्या हालत बना रखी है तूने? क्या हुआ? सर को मिस्टर मल्होत्रा की फाइल देने गई थी और उन्होंने, हे भगवान, सर ने तेरे साथ? मुझे तो वो पहले से ही कमीना दिखता था। देखा कैसे हंस हंस के बात करता है। मुझे तो ज्वाइन किए कुछ ही दिन हुए हैं, तब भी मुझे पता चल गया। लेकिन तुझे तो सालों हो गए इनके साथ काम करते हुए, तुझे कैसे पता नहीं चला? आखिर उसने तुझे अपना शिकार बना ही लिया। तू रुक जरा, अभी इसे मीटू करती हूँ, इसके होश ठिकाने आ जाएंगे। शट अप, शट अप। मैं तेरा दुख समझ सकती हूँ यार, लेकिन ये कमीना भी तेरे साथ ये सब करके बच नहीं पाएगा। जरा मीटू करने दे मुझे, फिर देख कैसे इसकी वाट लगती है। सारी वकालत धरी की धरी रह जाएगी, फिर देखूंगी अपनी वकालत कैसे करेगा। चुप कर यार, मीटू मीटू पागल कर दिया है इस मीटू ने। है क्या ये मीटू? हेलो, तुझे मीटू नहीं पता? कौन सी दुनिया में रहती है यार। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है कि किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है तो वह हैशटैग मीटू करके उस आदमी के बारे में वहाँ लिख सकती है। फिर देख उस आदमी की ऐसे वाट लगती है कि पूछ मत। ना पुलिस में जाने की जरूरत, ना कोर्ट के चक्कर काटने की, सब मीटू से हो जाता है। टीवी चैनलों पर बड़े बड़े डिबेट होते हैं, उस आदमी का नाम ऐसे मिट्टी में मिलता है कि उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ की ऐसी तैसी हो जाती है। बड़े बड़े लोग इसकी चपेट में हैं। 10-20 साल पहले के किस्से बता रही हैं लड़कियां। तुझे पता है 3-4 साल पहले जब मैं करोलबाग में काम करती थी ना, वहाँ के सर मुझे हॉट हॉट बोलते रहते थे। मैं तो उन्हें भी मीटू कर रही थी, लेकिन मेरी दीदी ने देख लिया और मुझे पोस्ट नहीं करने दिया। तू सर को मीटू करने तो चली है, लेकिन तुझे सच्चाई पता है? यार अब ऐसी बातें बार बार थोड़ी ना अपने मुँह से बोलेगी तू। नहीं नहीं, तू बता मुझे, तुझे सच्चाई पता है? यार क्यों मेरा मुंह गंदा करवा रही है, मुझे मीटू करने देना उसे। नहीं पहले बता तो जरा, तू लिखेगी क्या? यार यही लिखूंगी ना, किस कमीने ने तेरे साथ छेड़छाड़ की है। तुझे पता भी है अंदर क्या हुआ? सर अपने केबिन में नहीं है क्या? दरवाजा नहीं खोल रहे हैं? नहीं सर, तो उसके पास एक कॉन्फ्रेंस रूम में है। ओके ओके। May I come in, sir? Hello, sir. How are you? अब हाथ मिला रही है, कल मीटू कर देगी। ना बाबा ना, मैं ना चक्कर में आने वाला। सर वो मिस्टर मल्होत्रा के केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। सर परसों उनकी डेट है कोर्ट में। मल्होत्रा जी का केस तो सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इसने मुझे मीटू कर दिया ना, तो समाज की अदालत में मेरी पेशी पक्की। ना बाबा ना। सर मिस्टर मल्होत्रा की फाइल देख लीजिएगा प्लीज।
और सर ही नहीं, अरमान भी इस मीटू से बेहद डरा हुआ था बेचारा। तुम सर से मिले क्या? यार कैसा अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। बदतमीज, इतनी जोर से पटका है मेरा हाथ, लग जाती तो। यही हाथ मैंने इसके कंधे पर रखा होता ना तो अभी मीटू कर देती। अब मैं इसे मीटू करूं क्या? चल छोड़, माफ किया तुझे। अच्छा ये बता, सर को क्या हुआ है? ऐसा पहले तो उन्हें कभी नहीं देखा। हे भगवान, मेरे बालों का क्या हाल बना डाला। इन बेचारों को तो पता भी नहीं है कि मीटू किस भला का नाम है, जलाकर राख कर देगी। सॉरी यार, तुझे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, लेकिन यार बिना सच्चाई जाने ही तूने सर पर इल्जाम लगा दिया। इतने सालों से काम कर रही हूँ उनके साथ, अपनी बेटी मानते हैं मुझे, उनके साथ कभी अनसेफ फील नहीं हुआ, और पल भर में तूने उन्हें क्रिमिनल बना दिया। और तू कहती है कि पहले वाला बॉस तुझे हॉट कहता था, अब मीटू चला तो बहती गंगा में हाथ धोना चाहती है। वैसे तो बड़ा खुश होती फिरती है कि आज तुझे अपने फला दोस्त से हॉट का कॉम्प्लीमेंट मिला। मैं ये नहीं कह रही कि सब लड़कियां गलत इल्जाम लगा रही हैं। निर्भया के साथ गलत हुआ तो पूरा देश उसके साथ खड़ा था। उसके साथ हुए दर्दनाक हादसे को याद करके आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानती हूँ हमारे देश के सिस्टम में बहुत सारी खामियां हैं, हम पूरी तरह सेफ नहीं हैं। रात को अपने ही गली में जाने में डर लगता है, लेकिन ये कौन सा तरीका हुआ इंसाफ पाने का? क्या टीवी के डिबेट से ही सब कुछ रुक जाएगा और जिस किसी के साथ भी गलत हुआ है उसको इंसाफ मिल जाएगा? तो अदालतों की जरूरत ही क्या है? और तुम्हें नहीं लगता कि इस मुहिम में वो लोग भी पिस सकते हैं जिनकी कोई गलती ही नहीं है? बिना सच्चाई जाने ही अपनी बीवी ने सर पर इल्जाम लगा दिया। बिना सच्चाई जाने ही अपनी बीवी ने सर पर इल्जाम